मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पकौड़े, जिसे कि हमने आलू और गेहूं के आटे से बनाया है। जब आप गेहूं के आटे से आलू के पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, पतले चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच से भी कम हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम परात में डालेंगे बारीक कटे हुए कच्चे आलू। आलू को आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पतले पतले चौकोर टुकड़ों में कट किया हुआ है। तो आलू के साथ हम डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच से भी कम हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च या बारीक कटी हुई हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और अच्छे से मिलाते हुए इसका हम मिश्रण बनाएंगे। इसका घोल हमें पतला नहीं बनाना है, बस हमें उतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, पकौड़ों का मिश्रण हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें हमने बहुत ज़्यादा गेहूं के आटे का यूज़ नहीं किया है, बस उतना ही आटा लेंगे जितने से आलू अच्छे से कोट हो जाए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने तेल गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम सावधानी के साथ पकौड़ों को तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम गैस का फ्लेम कम भी कर देंगे, क्योंकि यदि हम तेज आंच पे सेकेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, पकौड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और आलू और आटा दोनों ही बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इन्हें हम प्लेट में निकाल देंगे और ऐसे ही हम बाकी पकौड़ों को भी सेक लेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी आलू और गेहूं के आटे से पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं
और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। आप इसे हरे धनिए की चटनी या सॉस के साथ खाएं। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।